बेटा हेमंत, तुम्हारा दोस्त असवन वहाँ खड़ा है, जाओ उसे ही तो मिलो। अबू नहीं, अब वो मेरा दोस्त नहीं है। बेटा तुम अब तक उस बात को नहीं भूले, हो जाता है दोस्ती में, दोस्ती तो नाम ही आजमाइश का है। वैसे भी इस बात को तो 2 हफ्ते गुजर गए, ईद का दिन है, जाओ उसे ईद मिलो। नहीं मैं नहीं मिलूँगा। अरे बेटा आज ईद का दिन है, ईद का दिन तो हमें खुशियाँ और मोहब्बतें सिखाता है, आज के दिन तमाम पुरानी बातें भूल जाओ और अपनी तरफ से मोहब्बत का कदम बढ़ाओ, क्योंकि बेटा झुकता वही है जिसे रिश्तों की कदर होती है। आज के दिन तमाम रंजिशें भुलाओ और जाकर उससे गले मिल लो। ओके अबू, मिल लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हो यार अहमद? मैं तो समझा उस दिन की बात से अभी तक नाराज़ हो, मुझे माफ़ कर दे यार। आज के इस खुशी के दिन हमें अपनी तमाम तकरीरें बुला देनी चाहिए दोस्त, क्योंकि आज के दिन हमें मोहब्बतें बांटने का दर्स देता है। जी बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल। ठीक है असवंत, कुछ देर बाद मुलाकात हो। लगता है बेगम पूरे हफ्ते की चीनी तुमने इसी खीर में डाल दी। और भाई आ गए? और अबू मुझे ईदी तो दे दें आप। ओह मैं तो भूल गया अपने बच्चे को ईदी देना, ये लो तुम्हारी ईदी। थैंक यू अबू। और आज का क्या प्लान है तुम्हारा? बस वही चाचू के घर जाना है, वहाँ हमजा और आंटी ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज रखा है। तो अबू मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं देख के आता हूँ। देखो अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बेटा, ईद का मौका है। ये लो ईद। कौन था? अबू वो मांगने वाला था। हाँ अबू वो मैं कह रहा था कि हमजा और आंटी ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है, तो वहाँ जाना है। आप भी साथ हमारे चले ना, आप उनसे क्यों नाराज हैं? अबू चले ना। खबरदार हो, वहाँ जाने का मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अभी भी उनसे नाराज़ हैं? अभी तो उस बात को 6 महीने गुजर गए। 6 महीने गुजरो या 6 साल, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो मेरा छोटा भाई ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसके हर ख़ता को माफ़ कर दूँ। 1-2 टके की ज़मीन के लिए उसने मुझसे ज़बान लड़ाई। अभी कुछ देर पहले आपने मेरी इसलाह की थी कि इस खुशी के त्यौहार में हमें सब कुछ बुलाकर एक दूसरे को गले लगाना चाहिए। की थी, पर तुम्हारी बात कुछ और थी और मेरी वजह दूसरी है। अबू हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर माफ़ करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो कयामत के दिन मुझसे ले लेना। अबू मैंने माना कि नसमझी उनसे हुई है, लेकिन पुराने तमाम इख्तलाफात को बुलाकर आप भी बड़े दिल का सबूत दीजिए। और आखिर आप कब तक उनसे यूं ही नाराज़ रहेंगे? और आप ही ने तो मुझे कहा था कि झुकता वही है जिसे रिश्तों की कदर होती है। लेकिन मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा उसके घर, बल्कि हम सब चलेंगे उसके घर। आए इस खुशी के त्यौहार में अपने दोस्तों और अजीज वकारीब से कायम इख्तलाफात को ख़त्म करने में पहला कदम हम उठाएं, क्योंकि त्यौहारों का असल मज़ा तो सबके साथ आता है।